देखो अब कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं जो अपन को देखने हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल बारबी ट्यूरिक एसिड है। इसका फॉर्मूला ध्यान में रखो, बारबी ट्यूरिक एसिड एक ऐसा एसिड जिसमें COOH नहीं है फिर भी एसिड लगा हुआ है। जनरली अपन क्या देखते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड COOH होता है, कोई भी एग्जाम्पल हो फॉर्मिक एसिड, एसिडिक एसिड, इन सब में बेंजोइक एसिड, इन सब में COOH होता है, यस और नो? लेकिन कुछ ऐसे एसिड हैं जिनमें COOH नहीं होता, जैसे बारबिट्यूरिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, पिक्रिक एसिड। ये सब ऐसे एग्जाम्पल है जिसमें COOH ग्रुप नहीं होता फिर भी ये एसिड है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये कहीं ना कहीं ट्यूटोमेरिस शो करके एक एरोमेटिक अल्कोहल में कन्वर्ट होते हैं, और एरोमेटिक अल्कोहल लाइक फिनोल ये एसिड होते हैं। फिनोल का भी हम बोलते हैं नाम एसिडी, क्योंकि फिनोल भी एसिड होता है। फिनोल जानते हो आप क्या नाम होता है उसका एसिड में? कार्बोलिक एसिड। समझ में आ गया? कार्बोलिक एसिड ये होता है फिनोल, कार्बोलिक एसिड। और अगर यहां पर OH NO2 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 तो इसका नाम हो जाता है पिक्रिक एसिड। तो कार्बोलिक एसिड, पिक्रिक एसिड, बारबिट्यूरिक एसिड और एस्कॉर्बिक एसिड ये सब एरोमेटिक अल्कोहल है। तो आपके लिए लाइन क्या होगी? ऑल एरोमेटिक एसिड्स आर ऑल एरोमेटिक अल्कोहल, अल्कोहल बोल दिया जाए या फिनोल ग्रुप बोल दिया जाए, ऑल अल्को सॉरी ऑल एरोमेटिक अल्कोहल आर एसिडिक इन नेचर। इज दैट क्लियर? अंदर तक पकड़ लिया? दूसरा पॉइंट हमारे पास आ रहा है कि क्या ये एरोमेटिक अल्कोहल दिख रहा है आपको? मुझे तो नहीं दिख रहा अभी, तो कहीं ना कहीं होगा, इसको ट्यूटोमर्स बनाना पड़ेगा। देखिएगा ध्यान से, NH NH H ये डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, हाँ या ना? तो हमारे लिए ये कैसे वर्क करता है, हमने इसमें से तीन हाइड्रोजन निकाले। कौन से तीन हाइड्रोजन निकालेंगे? एक यहां का, एक यहां का, एक यहां का। तो जब ये तीनों हाइड्रोजन निकल रहे हैं तो एक तरह से यहां पर तीन जगह पर नेगेटिव चार्ज आएगा, आएगा या नहीं आएगा? तो ये तीनों जगह नेगेटिव चार्ज आएगा, तो अब ये एक तरह से रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है और कॉन्जुगेशन करके यहां नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, आएगा या नहीं आएगा? जब यहां नेगेटिव चार्ज आएगा तो वो जो तीन हाइड्रोजन आपने निकाले हैं वो वापस दे दिया आपने, तो आपके पास एक तरह से एरोमेटिक अल्कोहल में कन्वर्ट हुआ नहीं हुआ? और मैंने पहला स्टेटमेंट बोला है ऑल एरोमेटिक अल्कोहल आर एसिडिक इन नेचर। तो अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज द ट्यूटोमर्स ऑफ दिस कंपाउंड, तो आपका आंसर होगा दिस। अच्छा, दूसरा मेरा आपके लिए क्वेश्चन, इसकी ये और ये क्या एक ही कंपाउंड है या एक कंपाउंड की दो अलग फॉर्म है या फिर अलग अलग कंपाउंड है? एक ही कंपाउंड की दो अलग अलग फॉर्म है, क्या इन्हें सेपरेट किया जा सकता है? नहीं, पक्का? ये इसकी कौन सी फॉर्म कहलाएगी? कीटोन। और वो कौन सी कहलाएगी? इनोल। तीसरा क्वेश्चन, कौन सी ज्यादा स्टेबल दिखेगी, जो ज्यादा एरोमेटिक है या जो एरोमेटिक है? तो इनोल फॉर्म ज्यादा स्टेबल है इस जगह, सही है? और आपको दिख रहा है इनोल फॉर्म में जब भी इस तरह का होता है एरोमेटिक इनोल, वो क्या होते हैं? ज्यादा एसिडिक होते हैं। तो ये इसका नाम क्या है? बारबी ट्यूरिक एसिड। तो उसको भी बारबिट्यूरिक एसिड ही बोलोगे आप, क्योंकि एक ही कंपाउंड की दो अलग अलग फॉर्म है दोनों एसिडिक। बोलो, क्लियर है कॉन्सेप्ट? अब किसी ने मुझे कहा कि एस्कॉर्बिक एसिड क्यों है, ये तो एरोमेटिक इनॉल है ही नहीं, दिख रहा है क्या? तो मैंने कहा नहीं, देखो ध्यान से, ये कंपाउंड है। मैंने यहां पर क्या किया, ये कंपाउंड है, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाया मैंने। अब दिमाग क्या लगाया कि ये वाला बॉन्ड मैंने इस तरफ शिफ्ट कर दिया, कर सकता हूं, कौन मना करेगा मुझे? और जैसे ये शिफ्ट करा तो ये वाला पाई बॉन्ड हट गया और ये किस में कन्वर्ट हो गया? कीटोन में। हो जाने दो। अब दूसरा दिमाग क्या लगाया मैंने कि ये वाला जो पाई बॉन्ड है ये इस तरफ शिफ्ट कर दिया, तो ये डबल बॉन्ड किस में चेंज हो गया? OH में। ऑब्वियसली यहां का H यहां चला गया तो यहां OH आ गया। फिर उसके अलावा ये वाला पाई बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट कर दिया, तो ये वाला फॉर्म जैसे ही मैंने यहां करा
तो ये OH में कन्वर्ट हो गया, ये ऑलरेडी OH में था, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ वाला इधर गया तो ये भी OH में चेंज हो गया। तो क्या ये एक एरोमेटिक कंपाउंड दिख रहा है आपको? हाँ दिख रहा है, ये है ही एरोमेटिक। और एरोमेटिक इनॉल एसिडिक होते हैं ऐसा मैंने अभी हाल बोला है। ऑल एरोमेटिक इनॉल आर एसिडिक इन नेचर, अंदर तक दिमाग में बैठा लो। तो बार्बीब्यूटिक एसिड एंड एस्कॉर्बिक एसिड बोथ आर एसिडिक इन नेचर। आपसे अगर कोई पूछे कि बताओ इसकी इनॉल फॉर्म कौन सी है, तो ये है कीटोन फॉर्म कौन सी है, ये है इनॉल फॉर्म पूछे, ये है। और ये बनाना अब आपको आना चाहिए। हाँ या ना, बना लोगे? एक बार और समझाना है? नहीं, ठीक है उतारो। देखो कुछ और सिस्टम पे हम बात करते हैं। नाइट्रो एसी नाइट्रोस, मुझे अक्सर देखा गया है, देखता हूँ रिएक्शन हो रही है, केमिकल रिएक्शन, आगे रिएक्शन मैकेनिज्म देखने को मिलता है। क्या देखता हूँ मैं उसके अंदर कि मेरे पास ग्रुप दिया है नाइट्रो, और वो इतना अच्छा एसिडिक ग्रुप दिख रहा है जितना जनरली सोच नहीं पा रहा था, खासतौर पे ग्रिगनार्ड रिएक्शन वगैरह में, यानी ये एसिडिक रिएक्शन दे रहा है। तो मुझे ये प्रूव करना है कि क्या नाइट्रो दिखने पे एसिडिक नेचर कहाँ से आ रहा है वो, तो वो यहाँ से दिख रहा है मुझे, देखिए। क्योंकि ये भी कीटो इनॉल की तरह ही ट्यूटोमेरिस शो करता है, बस कीटो इनॉल को कीटो इनॉल इसलिए बोलते हैं क्योंकि कीटोन इनॉल के बीच में ट्यूटोमेरिस में, इसको क्या बोलेंगे, नाइट्रो एसी नाइट्रो ट्यूटोमेरिस। ये नाइट्रो है, एनओ टू ग्रुप है। क्या ये वाला हाइड्रोजन जो यहाँ हाइड्रोजन है ये एसिडिक होगा या नहीं होगा? होगा, क्योंकि यही अल्फा हाइड्रोजन कहलाएगा, ये एसिडिक है, बेस कैटेलाइज है, यानी कि अगर OH बाहर से मिल जाए तो और अच्छा है, नहीं मिलेगा तो धीरे होगी रिएक्शन, और मिल जाएगा तो तेजी से होगी, बेस कैटेलाइज। क्या कैटेलाइज रिएक्शन बिना कैटेलिस्ट के नहीं होती? होती है लेकिन धीमे होती है, और कैटेलिस्ट मिल जाएगा फास्ट होगी। तो ये रिएक्शन बेस कैटेलाइज रिएक्शन होती है सारी ट्यूटोमेरिस वाली। तो ये माइनस एच गया, यहाँ माइनस आ गया, ये इस तरफ शिफ्ट हुआ, ये इस तरफ शिफ्ट हुआ ड्यू टू रेजोनेंस। यहाँ यहाँ जैसे ही हुआ, यहाँ नेगेटिव चार्ज आया, यहाँ डबल बॉन्ड आया, एक हाइड्रोजन ऐड हुआ, हाइड्रोजन ऐड होते ही ये क्या बन जाएगा, OH दिख गया मुझे, ये एसी नाइट्रो फॉर्म दिख रहा है। एसी नाइट्रो का मतलब नाइट्रो है ग्रुप लेकिन एसिडिक नेचर शो कर रहा है, और क्योंकि OH लिंकेज है और ये भी इनॉल की तरह है, और मैं पहले ही बता चुका हूँ जितने भी इनॉल होते हैं वो ज़्यादा एसिडिक होते हैं, और इनॉल में अगर एरोमेटिसिटी है तो फिर मैं तो उनको एसिड ही बोलने लग जाता हूँ। जैसे आपने बारबिट्यूरिक एसिड का नाम सुना बहुत, तो पिक्रिक एसिड का नाम सुना, बस ये एरोमेटिक नहीं है तो इतना ज़्यादा एसिडिक नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा एसिडिक है, अल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक है, समझ में आ गया। तो ये एसी नाइट्रोस हो गया, कोई दिक्कत आपको? अच्छी बात है। तो ये एसी नाइट्रोसो यानी कि नाइट्रो एल्केन जो भी आपके पास आएगी, क्या वो अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक हो रही है? हाँ बिल्कुल दिख भी रहा है। आगे दूसरा सिस्टम हमारे पास आ रहा है नाइट्रोसो आइसो नाइट्रोसो। नाइट्रोसो में और इसमें अंतर क्या है? ये वाला बस बॉन्ड हट गया, अगर ये बॉन्ड हट जाता है तो काम बिल्कुल वैसा का वैसा ही रहेगा, और आइसो नाइट्रोसो, समझ में आ रही है गणित? ये इसका ट्यूटोमर्स हो गया, बस अंतर ये कि इसकी नाइट्रोसो फॉर्म है और ये आइसो नाइट्रोसो फॉर्म है। आइसो नाइट्रोसो भी एसिडिक है और अल्कोहल से ज्यादा है, कोई डाउट नहीं है? तो जितनी भी नाइट्रो एल्केन है या नाइट्रोसो एल्केन है ये एसिडिक होती है, अल्कोहल से ज़्यादा होती है, लेकिन शो करना मुश्किल हो जाता है। तो ये ट्यूटोमेरिस बहुत अच्छा कंसेप्ट है जिससे आप शो कर सकते हो। आगे आप फ्यूचर में मेरे से पढ़ेंगे कि ग्रिगनार्ड के साथ ये एसिड बेस रिएक्शन देती है और एल्केन रिलीज करती है। अब आगे आइमाइन और इनेमाइन, अगर नाइट्रोजन डायरेक्ट सी ए से जुड़ा हो रहा है तो आइमाइन ही बोलोगा, आई का मतलब मैं तो आई क्योंकि फील कराना चाहता हूँ आई से ही है आइमाइन, और ऑब्वियसली ये डबल बॉन्ड है तो ये वाला के अल्फा हाइड्रोजन कहलाएगा, अल्फा हाइड्रोजन ये कहलाएगा। तो ये अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक हुआ, निकल गया,
क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन बहुत सारे ग्रुप्स के अंदर एसिडिक होता है ड्यू टू रेजोनेंस। ये नेगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट हुआ, ये इस तरफ हो गया डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड यहां से यहां डबल बॉन्ड आ गया, एन पे एच, एन पे माइनस आ गया, और वो जो एच वहां से रिलीज हुआ था वो वापस इसने ले लिया, तो ये यहां पर इस तरह से एमाइन बन गया। ये एमाइन है और ये ईन है, तो ईन एमाइन, इने माइन, तो इने माइन इस तरह का दिख रहा है आपको, और आई माइन ऐसा दिख रहा है। तो कौन किसका ट्यूटोमर से, आई माइन इने माइन का, समझ में आ रहा है, आई माइन इने माइन का, नाइट्रो एसी नाइट्रो का, नाइट्रोसो आइसो नाइट्रोसो का, समझ में आ गया। तो एमाइन का ट्यूटोमर्स क्या होगा, एमाइन शो ही नहीं करती, एमाइन का मतलब समझ गए, सिंपल आर एन एच टू, कहीं कोई डबल बॉन्ड ही नहीं है। एल्कोहल शो नहीं करेगा, इनोल करता है, एल्कोहल नहीं करता। हाँ बोलो, बोल सकते हैं ना, क्यों नहीं बोलेंगे, बोलेंगे ही, ये इसका ट्यूटोमर्स है, आइमाइन इनेमाइन का ट्यूटोमर्स है। हाँ यानी इनका, इनको सेपरेट नहीं किया जा सकता, किस पेयर को सेपरेट नहीं किया जा सकता, इन दोनों को नहीं किया जा सकता, इन दोनों को नहीं किया जा सकता, इन दोनों को भी नहीं किया जा सकता। आ रही है बात समझ में? तो ये आपका बेसिक नॉलेज हुआ, थोड़ा इंप्रूव भी हुआ होगा कि आपको थोड़े और फंक्शन ग्रुप के नाम मालूम हो गए। देखिए कुछ पॉइंट्स हैं उसको भी हम कवर करेंगे। श्यूडो टॉपिस, श्यूडो का मतलब धोखा, यानी ऐसे कंपाउंड्स जो लगते हैं कि ट्यूटोमेरी शो करेंगे लेकिन नहीं करते। तो लिखिए यहां पर कंपाउंड्स, कंपाउंड्स इन विच ओनली वन फॉर्म एग्जिस्ट, कंपाउंड इन विच ओनली वन फॉर्म एग्जिस्ट, ओनली वन फॉर्म एग्जिस्ट इज कॉल्ड श्यूडो ट्रॉपिज्म, श्यूडो ट्रॉपिज्म। फॉर एग्जाम्पल यार, इसमें सिर्फ एक ही तरह की फॉर्म है 100%, क्यों, क्योंकि एरोमेटिक है, ड्यू टू एरोमेटिक, और ये ऑलमोस्ट कितना परसेंट है, जीरो। इज दैट क्लियर? अगर आपने इसका ये बना दिया, क्या बनाया, तो ये हो जाएगी 0%, 100%। क्यों भाई ऐसा, क्योंकि ये एंटी एरोमेटिक है, आपको कैसे पता चलेगा एंटी, क्योंकि दो और दो चार इलेक्ट्रॉन, आप अच्छे से जानते हैं, चार दस चौदह, सॉरी इस तरह से चलता है, 4 8 12, 2 6 10 14, ये है एरोमेटिक लाइन और ये है एंटी एरोमेटिक लाइन। तो यहां पर कितने आ गए, फोर, फोर पाई इलेक्ट्रॉन इन साइकिल्स रिप्रेजेंट एंटी एरोमेटिक। जबकि यहां पर कितना है, 2 4 6, तो ये एक एरोमेटिक है, और जब ये एरोमेटिक है तो ये स्टेबल है, एंटी में एरोमेटिक होता तो यार, तो ये 0% है, इसकी सिर्फ कीटोन फॉर्म एग्जिस्ट करेगी। तो ये हमें ऐसे बोले जा सकते हैं, अगर हमसे कभी ऐसा क्वेश्चन पूछे विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो ट्यूटोमेरिस और ऑप्शन में ये हो, टिक कर देना। इज दैट क्लियर? कोई डाउट? 100% इस फॉर्म में रहेगा ये, क्योंकि एंटी एरोमेटिक है तो ये जाएगा ही नहीं, जाएगा ही नहीं तो शो ही नहीं करेगा, तो एक तरह से इस तरह से हम शो कर रहे हैं। तो अब आपके लिए क्या पॉइंट हो रहा है, आपके लिए ये पॉइंट हो रहा है कि यदि कोई कंपाउंड एरोमेटिक में कन्वर्ट हो रहा है
तो हाईली स्टेबल, और एंटी एरोमेटिक में कन्वर्ट हो रहा है तो हाईली अनस्टेबल। चलिए लिखिए इसको, इसको साफ करते हैं और हेडिंग डालते हैं स्टेबिलिटी ऑफ ट्यूटोमर्स, और एक टेबल बनाते हैं। मैं टेबल आपके लिए बना रहा हूं और उस टेबल को आप भी मेरे साथ उतारेंगे। देखिए कुछ और एग्जांपल्स पे हम बात करते हैं कि कौन ज्यादा स्टेबल है। सामने देखें, देखो इधर हमारे पास कुछ कंपाउंड है जिसके अंदर हमें यह पता लगाना है कि वो कीटोन फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगी या इनोल। तो मैंने एक्सपेरिमेंट करके सारे डाटास लिख दिए, फिर सोच रहा हूं कि ऐसा है तो क्यों है। जैसे ये कीटोन है तो नॉर्मल कीटोन हमेशा ज्यादा स्टेबल होंगे इनोल फॉर्म से। सिर्फ उसी केस में इनोल फॉर्म स्टेबल होगी जब एरोमेटिसिटी हो या हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो। तो आप बताएं क्या यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? नहीं है। क्या यहां पर एरोमेटिसिटी है? नहीं है। तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा? ये। और इसकी परसेंटेज कितने नहीं है? 0.00025, यानी कि ऑलमोस्ट जीरो, कोई दिक्कत ही नहीं है। यहां देखो क्या यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? नहीं है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए यहां पर भी OH और यहां पर भी OH, और बीच में इस तरह से होना चाहिए था कि ये एक दूसरे के प्लेन में आते, तो ये तो नहीं हो पा रहा। तो ये भी 0.00056। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए सेम प्लेन में आना जरूरी है। अब आगे करना तो पड़ेगा। यहां पर ये रेजोनेंस में है, ये इनोल फॉर्म इतना होगा नहीं। इधर यहां इनोल बना लोगे यहां तो भी ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो नहीं कर पाएगा। तो क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग है यहां पर भी? नहीं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है OH OH के बीच में, OH डबल बॉन्ड O के बीच में नहीं होगी। इस या इस कंडीशन में हो सकती है, O माइनस है ना तो यहां हो जाएगी, लेकिन अगर केवल O है तो नहीं होगी। आ रही है बात समझ में? पक्का? तो इन दोनों में नहीं होगी आपस में। फिलहाल दूसरा पॉइंट मैं आपके बात कर रहा हूं, क्या यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? नहीं है। क्या यहां है? एक तरफ एस्टर है? नहीं है। एक तरफ एस्टर हो तो वैसे ही काट दो, तीनों में एस्टर है। लेकिन एक अजीब सी बात देख रहा हूं मैं। क्या देख रहा हूं? कि ठीक है यहां एस्टर है एक तरफ तो फिक्स है, लेकिन जैसे जैसे यहां पर CH3 आ गया, परसेंटेज इनोल वाली क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। या CH3 की जगह C2H5 आ गया तो बढ़ेगी। तो जितना बल्किनेस इधर की तरफ बढ़ रहा है उतना ही परसेंटेज ऑफ इनोल बढ़ती जाएगी। ये दिमाग में बिठाना है अंदर तक। अगर आपसे रेशियो पूछ लिया जाए इनोल फॉर्म का, सबसे ज्यादा इसमें, सबसे फिर ये ऐसे क्वेश्चन अब बनने लग गए। पहले नहीं बनते थे डाटाबेस, अब बन रहे। तो क्या लिखोगे यहां पर? रीजन बल्किनेस इन इनोल टाइप एस्टर साइड इंक्रीजेस द परसेंटेज ऑफ इनोल। ये मेरे बाद में लिखना। अभी इधर देखिए, यहां मैंने दोनों तरफ ट्यूटोमेरिस कर दिया। क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है यहां पर? हाँ, ये इस तरह से पॉसिबल है क्योंकि अभी एक ही प्लेन में आ गए, जिस तरफ एच है उसी तरफ ओ आ गया घूमकर, और यहां पर भी OH है यहां पर भी OH है। तो यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गई, यानी कि यहां पर इनोल फॉर्म कीटोन से ज्यादा स्टेबल होगी। और बल्किनेस अगर यहां पर बढ़ जाए तो और परसेंटेज बढ़ जाती है, भले वो इस तरफ हो या उस तरफ हो। तो जैसे ही C6H5 आया तो इनोल फॉर्म की बढ़ जाएगी। सही है। यहां ये एरोमेटिक है या नहीं है? नहीं है। जबकि इनोल फॉर्म में एरोमेटिक आ गया, और जब एरोमेटिसिटी आ गई तो फिर तो ऑलमोस्ट 100% ही आपके पास इनोल रहेगा। समझ में आया? तो क्या अब आप एक बार अच्छे से टेबल देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या देखकर ये बता सकते हो किसमें इनोल ज्यादा है या कीटोन ज्यादा है? हाँ बेटा, यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। बल्कि नहीं, अगर ये C2H5 आ जाए या इधर C2H5 आ जाए तो परसेंटेज ऑफ इनोल बढ़ेगी, या यहां पर CH3 लगा दिया जाए तो भी बढ़ेगी। आ रही है बात? लिखें इसको। ये पढ़ा है कि भाई ये ट्यूटोमेरिस दे रहे हैं, ये कंपाउंड दे रहे हैं, और क्या पढ़ा? जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है वो ट्यूटोमेरिस दे रहे हैं, या फिर अगर क्या कहते हैं अल्फा और बीटा कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड है तो गामा भी दे सकता है।
ये अपन ने पढ़ लिया, पढ़ा क्या रटा है अभी तक, लेकिन क्यों है वो अपन समझते हैं। तो मैकेनिज्म अगर हम बात करते हैं, मैकेनिज्म ऑफ ट्यूटोमेरिस, कैसे हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ ट्यूटोमेरिस, वर्क करें इस पे, ये हमारे पास एग्जांपल से हम मैकेनाइज करते हैं। बेस कैटेलाइज्ड होता है, बेस कैटेलाइज्ड मैकेनिज्म, जैसे मेरे पास ये है कीटोन, दिख गया आपके पास क्या हो रहा है, OH माइनस आया, ये बेस है, और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं तो ये ध्यान रखना कि अल्फा हाइड्रोजन ऑफ कीटोन अपने आप में एसिडिक नेचर रखता है, इतना एसिडिक भी नहीं होता जैसे HNO3 या H2SO4 होता है, इतना भी नहीं होता जैसे CH3COOH होता है, लेकिन उससे वीक होता है, लेकिन ये कर लेता है इसको, होता है एसिडिक है। तो अल्फा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऑफ कार्बोनाइल इज एसिडिक, यानी कि क्या ये OH माइनस के साथ अलग हो जाएगा? हाँ, जैसे ही ये अलग हुआ तो आपके पास क्या बन जाएगा, यहां माइनस आ जाएगा, ये माइनस इस तरफ जाएगा, और ये इफेक्ट हमारे लिए कहलाता है रेजोनेंस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, दिस दिस। तो जब ये अलग हो जाएगा तो यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहां क्या आएगा, ओ माइनस आएगा या नहीं आएगा, आएगा, ये आपके पास क्या आ गया, ओ माइनस आ गया। तो अब ओ माइनस आ गया तो वापस ओ माइनस क्या करेगा, ये H2O इस H के साथ अलग होगा और ये O वापस अलग हो जाएगा, तो आपके पास क्या हो जाएगा, OH प्लस OH माइनस, OH माइनस फिर वापस काम पे चलेगा, दूसरे के साथ लग जाएगा। तो एक तरह से हमारे पास ये कंपाउंड इस पूरे प्रोसेस में किसमें चेंज हो गया, तो नेट रिएक्शन क्या रही हमारे लिए, ऐसे बैकवर्ड उल्टी भी होगी। तो ये हमारे पास हुआ, कौन ज्यादा स्टेबल है ये हमारा अगला आर्टिकल हो जाएगा, ठीक है, किस तरफ ज्यादा होगा, लेकिन हाँ ये बात जरूर है कि ये होती है बेस कैटलाइज रिएक्शन, बोलो हाँ या ना, ठीक है। तो ऐसे ही क्या अगर हम बीटा की जगह गामा देखते, सोचना एक सेकेंड, सॉरी अल्फा की जगह बीटा देखते, तो क्या ये कैटेलाइज कर पाता, उतना एसिडिक होता, नहीं होता। ये इतना एसिडिक क्यों है, क्योंकि इसमें रेजोनेंस है, सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन ही एसिडिक होता है कार्बोनाइल ग्रुप का, कार्बोनाइल का मतलब एल्डिहाइड कीटोन, बीटा नहीं होगा। लेकिन अगर कभी ऐसा केस मिला आपको, जैसे ये वाला केस देख लो, ये वाला केस देख लो, देखते हैं, ये वाला हाइड्रोजन से ज्यादा एसिडिक अब ये है, वो मूव ही नहीं कर पा रहा है, उसकी दिक्कत हो रही है, तो क्या होगा, वही मैं डायरेक्ट OH माइनस करता हूं और ये वाले पे अटैक करता हूं और H2O निकाल देता हूं, तो क्या बनेगा मेरे पास, ये इसलिए एसिडिक था गामा, ये कौन सा है, गामा है, ये इसलिए एसिडिक है क्योंकि अल्फा बीटा के पास में पाई बॉन्ड है और ये उसके साथ एक तरह से कॉन्जुगेशन में, तब क्या होगा, ये इस तरफ जाएगा, ये इस तरफ जाएगा, और आपको एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी इस तरह की, और ये माइनस आ गया यहां पर, बस यही तो हम चाह रहे थे, हमारी पाई बॉन्ड की पोजिशन भी चेंज हो गई। फिर क्या होगा, ये इस तरफ जाएगा, ये इस तरफ जाएगा, हो गया। अब H2O अपना काम करेगा, तो OH की फॉर्म में वापस निकल जाएगा, तो ओवरऑल नेट रिएक्शन क्या हुई हमारे लिए, नेट रिएक्शन हमारे पास हुई कि हमारा कंपाउंड ये था
और ये किस में कन्वर्ट हो गया? फिनोल में। सही है, तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल हो गया। लिखें इसको,